ये है किला एक्चुअली, ये तो यही है, यही है वो गढ़ फोर्ट। और राइट नाउ इट इज 3:30 इन द आफ्टरनून एंड ये जो अभी रास्ता हम लोग अल्टो लेके आए ना बहुत रिस्की एक्चुअली अभी लेट हो गया ना यार, इस टाइम पे कोई नहीं क्लाइंब करता होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग मैन? Okay, after that hangover. Okay, no more hangover now. Okay, hello, welcome back to my YouTube channel. This is your friend Dr. Deepak Mishra and welcome back to one another vlog. अभी हम लोग डॉन हिल स्टेशन जाएंगे एंड डॉन हिल स्टेशन के बाद सालेज फोर्ट, सालेज फोर्ट वहीं से कुछ 20 या 30 किलोमीटर होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। और डॉन यहाँ से कितना दिखाना है ब्रो? 86 किलोमीटर एंड 2 घंटा बोल रहे हैं? 2 घंटा, 2 घंटा। और आज हम लोग जिस राइड पे हैं, जो मतलब हमारी जो सवारी है, इफ यू कैन मेक आउट, मैं आपको थोड़े दिन के थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ कि किस पे जा रहे हैं। तो शायद से हमें ऐसा डर है अंदर से कि ये चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। तुझे क्या लगता है? चढ़ जाएगी आराम से, आराम से चढ़ाने वाला है। ताकत होती है ड्राइवर में, गाड़ी में नहीं, ये होती है ड्राइवर में। ओके, तो अभी आपको थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ एंड देन फिर हम लोग आगे डॉन हिल स्टेशन पे वापस मिलेंगे। कई चांस पे मसाला वाला नहीं, मसाला चांस जो मिक्स है, जीरा वाला। हां ये नहीं मले भाई, नहीं मले, नहीं मले, नहीं मले। अरे समय वो पे खाओ, हां ये काफी दो। राहुल क्या पिया जा रहा है ब्रो, क्या पिया जा रहा है? बटर मिल्क। व्हाट क्या है? बटर मिल्क। व्हाई बटर मिल्क? इट्स गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ मतलब हैंगओवर के लिए? नो हैंगओवर। ओके, आई थॉट ऑफ हैंगओवर मैन। साबूदरा का कितना है? 900 मीटर। ओके, व्हाट डिड यू से? तूने कहीं पढ़ा था ना कि साबूदरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है, ठीक है? बट मैं 1 साल या 2 साल पहले यहाँ पे आया था, तब मैंने सर्च किया था एंड गुजरात का सबसे जो हाईएस्ट जो हिल स्टेशन है वो दैट इज डॉन राइट नाउ, उसका है 1070। वहां से हमें राइट टर्न लेना है और ऊपर जाना है वहां पे, और वो जो सामने आप माउंटेन देख रहे हैं ना, तो ये है मांगी और टुंगी। यहाँ पे भी हम लोग गए ना? यस, हम लोग जाके आए, हम दोनों पूरा ऊपर क्लाइंब करके गए थे, उसका भी ब्लॉग है। मैंने पूरा नहीं किया, आधा आधा छोड़ दिया था। यस 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 यस, ये रहा डॉन का 8 किलोमीटर दिखा रहा है। देखो मैं बोल रहा था ना, वो जो बर्डी है ना वो यहाँ पे भी रखा है इन लोगों ने स्टेचू का, ये रहा। तू फर्स्ट टाइम डॉन जाएगा ना? फर्स्ट टाइम जाऊंगा। डॉन गाम 6 किलोमीटर और डॉन हिल स्टेशन 4.5 किलोमीटर। मतलब ये 4 पहियों वाली एक्टिवा भी चढ़ जाएगी, डबल सीट, एक्चुअली ट्रिपल है, बच्चा भी है। और हम लोग अल्टो के लिए सोच रहे थे, लानत है, पर मुझे नहीं लगता ये लास्ट तक जाएंगे, पता नहीं। पूछना है? बात करना। आ गाड़ी जती नहीं सर हमारी ऊपर से डॉन सुधी जती नहीं चाहिए, अल्टो अंदर नहीं ना। ओके ओके,
ब्रो राहुल ब्रो ये रहा बे, कुछ ज्यादा नहीं है, नजदीक ही है, चले बर्ड के पास यार। सुरक्षित रक्षित वन एटर आवे से तो यहाँ से आगे जाना मना है ब्रो, दे आर डिनाइंग। ये देखना फेंसिंग किया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी है नहीं जा पाए हम लोग। Yes. नहीं जा पाए, कहाँ नहीं जा पाए, ऊपर ऊपर नहीं, बर्डी के पास जाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट ने क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, उतना ही एरिया बस, उतना जो एरिया है ना उतना ही सिर्फ वहाँ पे फेंसिंग कर दिया है, उसका क्या मतलब है समझ में नहीं आया ना। बैठते होंगे, अरे नीचे वो बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, एंड देन बर्ड है। आई हैव बीन देयर, मतलब जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम बना था तभी मैं गया था वहाँ पे, उसका भी वीडियो है मेरे पास, तो अगर हो पाएगा तो उसमें से कुछ क्लिप्स लगा के आपको दिखा देंगे, पर अभी तो नहीं जा, अभी नहीं जा पाएंगे वरना। अब चलेंगे फोर्ट के पास। Yes. वो फोर्ट है यहाँ से कुछ 20 या 25 किलोमीटर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने देखा नहीं है, बट जो गूगल मैप्स है उसमें देख के लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए चलते हैं। वी हैव रीच्ड दिस स्टैचू ऑफ बर्ड डॉन, ये डॉन है यहाँ का। हेलो, आप ट्रैकिंग करके आए? या जी। ओके, कितना टाइम लगा आपको? पर अभी ऊपर तक नहीं गए आप? ऊपर तक नहीं गए? यहाँ तक गए, क्योंकि ऊपर जाने में भी 3 घंटा जैसा लगता है। 3 घंटा लगेगा? थैंक यू। हाँ सूरत थी जो। ओके ब्रो, मुझे लगता है हम भी वापस जाएंगे, तो जहाँ तक गाड़ी चलती है वहाँ तक चलने देते हैं। लॉर्ड अल्टो है हमारे पास, चल तो रही है। ब्रो वो फोर्ट है और वहाँ पे रस्सी बांधी हुई दिख रही है, वो वाली रस्सी मैन, बट काफ़ी हाइट पे यार। यस, क्लाइंबर्स यूज करते होंगे। हम लोग अभी दो लोगों को मिले, उन लोगों ने बताया कि 3 घंटा लग सकते हैं। 3 घंटा? हाँ, मॉर्निंग में आना, मॉर्निंग में आना चाहिए था, लेट हो गए यार। हाँ, काफ़ी गलत डिसीजन, हमको लगा आधा घंटा पौना घंटा जैसा होगा, और राइट नाउ इट इज़ 3:30 इन द आफ्टरनून, बट 3 घंटा मतलब 6 बज जाएगा फिर। नो, वी हैव टू गो बैक टू बड़ौदा ऑल्सो, एंड ये जो अभी रास्ता हम लोग अल्टो लेके आए ना, बहुत रिस्की, इट वॉज अ रिस्की अफेयर। सो सिर्फ वो जो रस्सी है उसका थोड़ा देख के आते हैं, एंड देन फिर निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली हमारे प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, हमें पहले यहाँ पे आना चाहिए था सालहेर फोर्ट पे, एंड देन रिटर्न में हम लोग डॉन हिल स्टेशन जाते, वहाँ पे इवनिंग स्पेंड करते। पर हम लोगों को जो पहला प्लेस आया, डॉन हिल स्टेशन पहला आया, तो हम लोग वहीं पे रुक गए, एंड हम लोगों ने वहीं पे टाइम स्पेंड किया, और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था वहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ पे लेट हो गए। जब सुना 3 घंटे का ट्रैकिंग है तो वहीं पे हम लोगों ने अपनी आशा छोड़ दी थी कि हम लोग आज ये ट्रैकिंग कर पाएंगे, बिकॉज जिस रास्ते से हम लोग अल्टो लेके ऊपर चढ़े थे उस रास्ते पे अंधेरे में ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो हम लोग इस जो सालहेर फोर्ट का ट्रैकिंग है उसको मॉनसून के लिए मुलतवी रखते हैं, अभी के लिए उसको हम लोग पोस्टपोन करते हैं। अभी मॉनसून जस्ट शुरू हुआ है, मॉनसून जब पीक पे होगा तब हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे, एंड ये जो ट्रैक है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप कुछ ड्रोन शॉट्स देखिए। What a view it is man, मतलब हम लोग यहाँ पे अभी 2-5 मिनट के लिए रुके हैं, एंड इधर से आए हम लोग। हाई ब्रो। हेलो, आई एम फीलिंग नॉट गुड कि हम लोग ऊपर नहीं जा पाए ना।
जाना मतलब जाते तो ज्यादा मजा आता। सिलहर का सालहर, सालहर मतलब जो लोकल्स कह रहे थे सालहर। और तूने क्या हिस्ट्री पढ़ा था? मतलब 1 लाख कुछ लोग आए थे और फाइट हुआ था, देन मुगल्स ने सेंड किया था। ओके। एंड प्रॉब्ली उनका कोई जनरल था शिवाजी महाराज का। ओके। तो उनको फिर भेजा था यहाँ पे प्रॉब्ली, एंड वो जीत गए थे। शिवाजी महाराज जीते थे मतलब मराठास जीते थे, मतलब 1 लाख मुगल्स आए थे। नहीं, टोटल जो स्ट्रेंथ था। ओके, टोटल जो जितने भी, हाँ दोनों साइड से उनका 1 लाख था, 1 लाख स्ट्रेंथ था। यहाँ पे ऐसी बैटल हुई थी। हाँ, वैसी बैटल। ओ वाओ, वाओ वाओ, मतलब इसका अच्छा हिस्ट्री है। एंड व्हाट डू यू से, मॉनसून में आएंगे वापस? मॉनसून में डेफिनेटली आना चाहिए पूरा ट्रैक करने के लिए। यस, हम लोग भी आराम से ना सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इजीली पहुँच पाएंगे अच्छे टाइम पे ट्रैकिंग करने के लिए। सो ऐसे ही इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। मतलब हम लोग सालहर फोर्ट ऊपर तो नहीं जा पाए, ट्रैक नहीं कर पाए। ड्रोन से मैंने लिया था, अभी पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, बिकॉज उस टाइम पे ना जो सनलाइट थी क्लाउड वाली सनलाइट थी, तो डिस्प्ले में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। देखते हैं, अगर ड्रोन शॉट और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जिसको ऐसा ट्रैकिंग करना है। मॉनसून के लिए कोई लिस्ट बना रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो ये प्लेस मेरे लिस्ट में ऐड हो गई है। आप लोग भी ऐसे लोगों को शेयर करिए जो ऐसा लिस्ट बना रहे हो। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।